देखिए, एक तो बिल्कुल फेस्टिवल का जो आपने बताया वो महीना शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, आज से मुहर्रम जो एक महीना जो यहाँ पे हमारी शिया कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उसमें डिफरेंट किस्म के जो अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ आने वाले महीने में जो है, अगले महीने में बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा जो है वो यहाँ पे होगी। उसके बाद साथ और भी बड़े त्यौहार हैं, छोटे मतलब रिलीजियस कंग्रीगेशन होते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि त्यौहारों को छोड़ के और कुछ इश्यूज़ जो हम मिल के पब्लिक के साथ मिल के उसको समाज को एक अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे ड्रग्स का इशू है, उस पर कैसे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि जैसे ट्रैफिक की रेगुलेशन जो है, खासकर उसमें हम हमेशा दोष देते हैं, जी यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया, यहाँ पे ये हो गया, लेकिन हम भी कई बार जब ड्राइव करते हैं तो सब्र नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ही सबसे पहले घर पहुँचूँ, तो वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस होते हैं, एक फीडबैक भी मिलता है, और जिसको जिस पे हम पुलिसिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे लगता है कि जो आज की मीटिंग रही वो बड़ी पॉजिटिव माहौल में रही, अच्छा फीडबैक दिया लोगों ने। ताउन की जो बात है, जो यहाँ पे खासकर रिलीजियस यहाँ पे हार्मोनी है, जो कम्युनल हार्मोनी यहाँ पे है, इसकी मिसाल वाकई में पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। और जिस तरीके से हर मज़हब से यहाँ लोग हर इवेंट को, हर मज़हब की इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं और उसको कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें और जो भी कई बार जो ड्रॉबैक्स हम अगर देखते हैं तो उसको और आर्गूमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारे ठीक एक रहते जो हैं। सिक्योरिटी ग्रिड को देखा जाए, क्योंकि चैलेंजेस भी काफ़ी हैं अक्रॉस द बॉर्डर, कुछ ऐसे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वाकया हुए भी हैं, कुछ वो लोग कर भी रहे हैं एंटी नेशनल, तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि यात्रा भी शुरू होने वाली है, हमारी बड़ी प्राइम यात्रा है पुंछ बाबा बूढ़ा अमरनाथ की। देखिए, मैं टेररिज्म को लेके तो यही बोलूँगा कि हमारी जो इंटरनल जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं वो इन प्लेस हैं, वो आर्मी के साथ मिलके और जितने भी हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी बहुत रोल रहता है, वो इन प्लेस हैं। कुछ छोटी छोटी कामयाबी मिली हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से फीडबैक शुरू हो गए हैं और हम बहुत ही जल्दी एक जो हमारे रिजल्ट्स जो अचीव करने की ज़रूरत है वो भी कर पाएंगे। यात्रा में आपको उम्मीद मतलब ये यकीन दिलाता हूँ कि यात्रा बिल्कुल पीसफुल रहेगी और हम किसी भी किस्म का कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होने देंगे। उसके लिए हम चाहे हम हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, या हमारे साथ इंडियन आर्मी है, सारे एकजुट होके इस इवेंट को भी कामयाब करेंगे। और लोगों को ऐसा मुझे लगता है कि दिमाग में या दिल में डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पीसफुल माहौल में जो है आगे का वक्त जो है वो बीतेगा। आज हमारी जो ज़िला पुलिस है और उसके जो सरबराह हैं मोहतरम जनाब युगल महनाज साहब, उन्होंने जो आज मीटिंग बुलाई थी सिविल सोसाइटी की, उसमें जो हमारी आने वाली यात्रा है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा और माह मुहर्रम हराम के जो तकरीबात है उस हवाले से गुफ्तगू हुई। उसके अलावा जो बहुत से इश्यूज़ थे लॉ एंड ऑर्डर के, उसके हवाले से बात हुई, जिसमें पूरी ज़िला पुंछ के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की, बॉर्डर के लोगों ने शिरकत की, और जिस तरह का माहौल यहाँ देखने में आया कि तमाम बरादरियों के सरबराह ने शिरकत की, ये बहुत ही खुशगवार माहौल था। मैं इसके लिए एसएसपी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ एडिशनल एसपी साहब हैं, हेडक्वार्टर साहब हैं, और डीएसपी डीआर साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, जितने भी लोग हैं उनकी पूरी टीम यहाँ दिन रात काम कर रही है। यहाँ पर तमाम इश्यूज़ पर खुल के बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो ये मुहर्रम हराम का महीना है और बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है, ये बहुत खूबी पूरा होगा और हमारा इसमें सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो भी हम पूरी तरह से अदा करने को तैयार हैं। मैंने एसएसपी साहब से गुजारिश की है कि चाहे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हो या मुहर्रम हराम की तकरीबात हो, जहाँ भी हमारी ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी की ज़रूरत है, हम सब आपके शाना बशाना खड़े हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आज की मीटिंग के बारे में देखिए, जब से सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब युगल मनाज साहब ने पुंछ पुलिस की अनान संभाली थी, तब से कोई पब्लिक मीटिंग ना हो सकी। वजह ये रही कि इनके आते ही इलेक्शन अनाउंस हो गए और इलेक्शंस के दौरान कोई भी मजमा, कोई भी गैदरिंग जो है नहीं हो सकती थी। अब फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, मुहर्रमुल हराम की तकरीबात जो है वो चल रही हैं, उसके बाद श्री बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा है और उसके बाद रक्षाबंधन है, तो पूरे फेस्टिवल जो है वो आगे शुरू हो जाएंगे। उसको लेकर के आज एक मेडन मीटिंग हुई है
पुंछ के दानश्वरान के साथ, मजहबी उल्मा के साथ और सरहदी इलाका जात में रहने वाले हमारी जो शख्सियात हैं उनका फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन से इकदाम पुलिस को करने हैं ताकि इस इलाके में अमन व अमान जो है वो कायम रहे, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है आए दिन शरारतें कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई वारदात हमारे खित्ताई पीर पंचाल में भी हो रही है, तो उसको लेकर के लोगों की कीमती राय ले जा रही है, लोग यकीन दहानी भी कर दे रहे हैं कि माजी की तरह उनके पुलिस के साथ उनका पूरा पूरा सहयोग और ताउन रहेगा। और पुलिस ने भी ये पूरी यकीन दहानी कराई है कि किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी समाज दुश्मन अनासर के साथ कोई नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी, ताकि इस इलाके में अमन शांति और आपसी भाईचारा बरकरार रहे। सिटी डेंटल हब ऑर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पूंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जरी की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किल हल करने के लिए तिबी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूर की परेशानी, अब आपके शहर पूंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पूंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मजीद जानकारी के लिए नंबर पर आप भी कायम कर सकते हैं, नंबर है 7006608751। देखिए ये जो मीटिंग है इसके लिए मैं पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने हर तरह के लोगों को यहाँ बुला के आने वाले दिनों में जो हमारे यात्रा बुड्ढा अमरनाथ की स्टार्ट होने वाली है, मुहर्रम का फंक्शन, मुहर्रम जो है वो भी मुहर्रम का माह अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उस इन दिनों में हमारा भाईचारा बना रहे, कोई एंटी नेशनल आदमी हमारे किसी तरह से कामयाब ना हो जाए, उन सब को दूर रखने के लिए, एंटी नेशनल लोगों को दूर रखने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हम जैसे जैसे अपने अपने विचार रख रहे हैं उन विचारों को हमने असलियत का जमा बनाते हुए चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसी एंटी नेशनल फोर्स होगी जो हमारे इस पुंछ के गुलदस्ते को, हिंदू मुस्लिम सिख इताद जो है भाईचारा है उसको ख़राब करने में, या कोई एंटी नेशनल जो इंसिडेंट है वो करने में कामयाब होगा। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा, स्पेशली पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने हर मौके पे, जो जब भी कोई बड़ा त्यौहार या बड़ा दिन आता है तो सभी लोगों को बुला के उनसे सलाह की जाती है, उनके विचार लिए रखे जाते हैं और उन विचारों पर अमल भी किया जाता है, तो जिसकी वजह से ये हम लोग आराम से एक सुकून की ज़िंदगी पुंछ में जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे।